नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर नई वीडियो के साथ में। आज हम आए हैं हरिद्वार और हरिद्वार के आपको ताज़ा दर्शन दिखाएंगे। जैसे कि दोस्तों आपको पता है सावन का महीना चल रहा है, बरसात काफ़ी ज़्यादा हो रही है आप देख सकते हैं, इसलिए श्रद्धालुओं की भीड़ भी कम हो गई है यहाँ पर। और अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। आप हरकी पौड़ी का मेन घाट देख रहे हैं और सामने माता गंगा का मंदिर है जो सबसे प्राचीन मंदिर है। सबसे पहले यहीं पर ही आरती होती थी और उसके सामने आपको दिख रहा है महिला घाट। और दोस्तों आप देख सकते हैं अभी समय हुआ है 2:30 बजे हैं दोपहर के, और हम आज आपको हरकी पौड़ी का पूरा दर्शन कराएंगे। ये देख सकते हैं आप श्रद्धालु किस तरीके से गंगा के बीचों बीच स्नान कर रहे हैं। दोस्तों ये लोग तो तैरना जानते हैं, लेकिन आप इनकी कॉपी मत करना कभी भी। आप उत्तेजित होकर बीच में न चले जाना, क्योंकि इससे आपकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जल की धारा काफ़ी तीव्र होती है। और देख सकते हैं अब धीरे धीरे यहाँ पर भीड़ बढ़ गई है, और देखो कितना रिस्की स्नान है। दोस्तों ऐसे स्नान करना भी गलत है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह पर बोर्ड लगे हुए हैं कि गंगा के बीच में स्नान न करें, क्योंकि यहाँ पर जल की धारा काफ़ी तीव्र है। सरकार ने भी ऐसे निर्देश किए हैं, लेकिन फिर भी नहीं मानते श्रद्धालु और गंगा के बीचों बीच स्नान करते हैं, और जो तैरना भी नहीं जानते वे भी घुस जाते हैं और फिर उनकी जान को खतरा हो जाता है। इसलिए दोस्तों आपसे प्रार्थना है, रेलिंग लगी हुई है, रेलिंग से बाहर स्नान ना करें। और दोस्तों जैसे कि आपको पता है आज सावन महीने का तीसरा सोमवार है, जिसका मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। आज तारीख है 1 अगस्त 2022, और यहाँ पर देख सकते हैं आप गौ घाट का यह दृश्य है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। हरकी पौड़ी से चलकर हम गौ घाट की ओर आ गए हैं, और बरसात के कारण आप देख सकते हैं जल की धारा काफ़ी तीव्र हो गई है, और दोस्तों जल स्तर भी बढ़ गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप हरकी पौड़ी पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ चुकी है, क्योंकि बारिश रुकने के बाद जो है अचानक भीड़ बढ़ गई थी, और जब बारिश हो रही थी उस समय भीड़ काफ़ी कम थी। अब आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ बढ़ चुकी है, लेकिन आसमान में बादल छाए हुए हैं। और ये देखो पहलवान जी किस तरीके से स्नान कर रहे हैं, जंजीर पकड़कर। और एक और आ गया इनके साथ में। दोस्तों इनकी कभी भी कॉपी न करना, क्योंकि यह बहुत ही खतरनाक और जानलेवा है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट में हर हर गंगे जरूर लिख देना। हम ऐसी वीडियो लेकर आते रहेंगे आपके लिए। और दोस्तों हरिद्वार में आकर मन बहुत ही शांत रहता है, ऐसा मन करता है कि यहाँ से न जाए, क्योंकि देवभूमि पर एंट्री करते ही अचानक ही मन को शांति मिलती है। और गंगा का किनारे बैठकर थोड़ी देर आप आंख बंद करके बैठिए, आपको अलग ही शांति फील होगी, और आप कितनी भी टेंशन में हो सारी टेंशन आपकी दूर हो जाएगी। और आप देख सकते हैं जल का बहाव कितना तेज हो गया है, और जल का कलर एकदम मिट्टी जैसा हो गया है, क्योंकि पर्वतों में लगातार बारिश हो रही है, क्योंकि मानसून आ चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले अमरनाथ में भी बाढ़ आ गई थी अचानक, और कई श्रद्धालु लापता हो गए थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और दोस्तों मैं गंगा मैया से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी पर गंगा मैया जी की कृपा बनी रहे। और दोस्तों आप देश या विदेश में कहीं पर भी हो, हम ऐसे ही दर्शन कराते रहेंगे आपको अपने चैनल के माध्यम से। ठीक है दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। जय गंगा मैया।